हेलो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आज हम बात करेंगे आइडिया और जीवो के कस्टमर केयर से बात कैसे करें, वो भी कुछ ही सेकंडों में। दोस्तों, पहले क्या होता था कि कस्टमर केयर से बात करने में बहुत अधिक समय लगता था, पर आज जिस जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे डायल करने के बाद आप कुछ ही सेकंड में बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले हम बात करते हैं आइडिया की। चैनल को लाइक करें एंड अगर अच्छी लगे तो शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको डायल करना होगा 1 2 3 4 5। ये डायल करने के बाद में आपको पहली सिम यानी कि आइडिया से कॉल करनी होगी। तो मेरी पहली आइडिया है तो मैं उससे कॉल करता हूँ। इसी वॉल्यूम पे आपका स्वागत है भारत का बड़ा 4G नेटवर्क। प्रिय ग्राहक, आपके अकाउंट की आउटगोइंग कॉलिंग वैलिडिटी दिनांक 16 जून 2019 को समाप्त हो चुकी है। सेवा का लाभ लेने के लिए तुरंत रिचार्ज करें। अगर रिचार्ज कर लिया है तो ध्यान ना दें, लाभ उठाएं 100% कैशबैक ऑफर का और आनंद लें हमारी सेवाओं का। अभी माई आइडिया ऐप पर लॉगिन करें। आईवीआर में जारी रहने के लिए 1 दबाएं। हमारे कस्टमर केयर अधिकारी से बात करने के लिए 2 दबाएं। कृपया प्रतीक्षा करें, आपकी कॉल ग्राहक सेवा अधिकारी को स्थानांतरित की जा रही है। इस कॉल की गुणवत्ता के लिए यह कॉल रिकॉर्ड किया जा सकता है। नमस्कार आइडिया, मैं सोना माफी क्या सहायता कर सकती हूँ? तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि मैंने आइडिया कस्टमर केयर से अभी अभी बात की है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि जीवो के कस्टमर केयर अधिकारी से हम कैसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको आना होगा फ़ोन में, इसमें आपको डायल करना है 198। ये डायल करने के बाद में आपको जीवो से इसको कॉल कर जीवो से इसे हिंदी के लिए 1 दबाएं। टू कंटिन्यू इन इंग्लिश प्रेस। कृपया ध्यान दें, आपने हमारे शिकायत हेल्पलाइन नंबर 198 पर कॉल किया है। हमारे मौजूदा प्लान्स, स्कीम्स और नए ऑफर्स के बारे में जानने के लिए अपने जियो नंबर से 1991 पर कॉल करें अथवा माई जियो एप्लीकेशन का उपयोग करें। आपका वर्तमान डेटा बैलेंस 1.5 है जो आपके 1.5 GB दैनिक डेटा कोटा में से बचा हुआ है और ये 1 जुलाई 2019 12:23 AM पर रिन्यू होगा। दोहराने के लिए 0 दबाएं, जारी रखने के लिए 1 दबाएं, नए ऑफर्स रिचार्ज और प्लान के लिए 1 दबाएं। अपने वर्तमान सक्रिय प्लान, पिछले 5 रिचार्ज, डेटा बैलेंस, प्लान की वैधता और आगामी प्लान के बारे में जानने के लिए 2 दबाएं। नेटवर्क, इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्पीड से संबंधित शिकायत के लिए 3 दबाएं। पहले से रिचार्ज किए गए प्लान और उन्हें एक्टिवेट करने की पिछले 30 दिनों में अपने रिचार्ज के बारे में जानने के लिए 1 दबाएं। अपने वर्तमान डेटा बैलेंस और वैधता के बारे में जानने के लिए 2 दबाएं। अपने आगामी प्लान के बारे में जानने के लिए 3 दबाएं। पिछले मेन्यू में वापस जाने के लिए 7 दबाएं। मेन मेन्यू में वापस जाने के लिए 8 दबाएं। हमारे सलाहकार से बात करने के लिए 9 दबाएं। कॉल गुणवत्ता सुनिश्चित करने और प्रशिक्षण के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरी कॉल कस्टमर केयर अधिकारी तक पहुंच रही है। मैंने इसको कट कर दिया है, तो दोस्तों आप समझ पाए होंगे। यदि फ्रेंड्स आप एयरटेल या वोडाफोन कस्टमर अधिकारी से बात करना चाहते हैं तो आप इन नंबरों का उपयोग करके बड़ी ही आसानी से बात कर जानकारी अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, और यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसे शेयर भी करें।